वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो है जी SEO सुमिट। SEO सुमिट को जो है 2023 जो अभी हुआ है इंडिया के अंदर वर्चुअल सुमिट, इसको डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है जी द 23rd शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या SEO सुमिट। तो इसको देखेंगे, उसके जो की टेक अवेज हैं उन्हें लेने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि SEO सुमिट के अंदर क्या क्या जो है वो बातें की गई हैं। और PDF के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि आप लोग जो है वो WhatsApp का जो ग्रुप बना हुआ है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, या जो Telegram का जो चैनल है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले अगर हम बेसिक इन्फो देखें SEO की, कि SEO एक्चुअली में क्या है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो IR के अंदर और पॉल साइंस की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर वीडियो डिटेल के साथ मौजूद है SEO की, आप वहां से देख सकते हैं। तो हम इसे ब्रीफली यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए SEO क्या है, सबसे पहले अगर हम कहें कि व्हाट इज SEO, तो SEO को स्टार्ट में जो है वो कहा जाता था शंघाई 5, और इसकी बुनियाद रखी गई थी 1996 के अंदर, यानी 1996 में जो है वो शंघाई 5 के नाम, क्योंकि इसके 5 मेंबर्स थे तो इसकी बुनियाद रखी गई थी, जिसमें चाइना था, कर्गिस्तान था, कजाकिस्तान था, रशियन फेडरेशन था और ताजिकिस्तान था, ये 5 मेंबर्स थे। उसके बाद ये SEO कब बना, तो SEO इसको बनाया गया 21 जून 15 2001 को जो है वो इसे बनाया गया SEO, ठीक है, यानी शंघाई के अंदर चाइना के अंदर जो है वो इसको, फिर इसका नाम भी चेंज किया गया, उसके मेंबर्स की तादाद भी बढ़ी। इस टाइम पे अगर हम बात करें तो 9 मेंबर कंट्रीज हैं SEO के, पहले 8 थे, यानी आज के ये जो सुमिट गुजरा है इस सुमिट से पहले 8 मेंबर्स थे, लेकिन अब क्योंकि इस सुमिट के अंदर ईरान जो है वो प्रॉपरली शामिल हो गया तो इसलिए अब ये 9 मेंबर्स हो चुके हैं। इससे पहले चाइना था, कजाकिस्तान था, इंडिया, रशिया, कर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान मेंबर्स थे। अब जो है इस समिट के बाद ईरान भी प्रॉपरली जो है इसका मेंबर बन चुका है, जिसका प्रोसेस 2021 से जो है वो स्टार्ट हुआ था इसको मेंबर बनाने का, पहले ये ऑब्जर्वर स्टेट था, ठीक है। तुर्कमानिस्तान, क्योंकि तुर्कमानिस्तान जो है वो इसका पार्ट नहीं है SEO का, क्योंकि उसने परमानेंट न्यूट्रलिटी शो की हुई है UN के अंदर, तो इसलिए उसने कहा हुआ है कि भाई मैं किसी भी ब्लॉक का ग्रुप का हिस्सा नहीं बनूंगा, तो इसलिए अल्टीमेटली वो इसका डिफेंस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनूंगा। तो ये क्योंकि जब शंघाई 5 बनाई गई तो डिफेंस के नाम के ऊपर बनाई गई थी, ठीक है, तो डिफेंस के नाम के ऊपर इसलिए बनी थी क्योंकि उसी टाइम पे 1991 के अंदर जो है सोवियत यूनियन टूटा था, तो उस टाइम पे यहां पे हालात काफी ज्यादा क्रिटिकल थे सेंट्रल एशिया के, तो इसलिए बनाया गया था। अब यहां पे तुर्कमानिस्तान को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सम टाइम ये पूछा जाता है कि तुर्कमानिस्तान मेंबर है या नहीं, और ये कहा जाता है कि SEO कंट्रीज जो हैं वो सेंट्रल एशिया के सारे ही मेंबर्स हैं जितने भी कंट्रीज हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, तुर्कमानिस्तान मेंबर नहीं है, ठीक है। अगर इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज की बात करें तो 4 इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान है, ईरान था, बेलारूस है और मंगोलिया है, ये 4 ऑब्जर्वर कंट्रीज थे जो कि अब 3 रह चुके हैं इस समिट के बाद से, क्योंकि ईरान फुल मेंबर बन चुका है SEO का। अगर बात करें जी डायलॉग पार्टनर्स की, तो 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं, पुराने ओल्ड आप इन्हें कह लें और न्यू जो हैं वो भी साथ में शामिल हो चुके हैं। तो ओल्ड जो डायलॉग पार्टनर्स हैं उनमें कौन से हैं जी, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, कंबोडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है और टर्की है, ये वो हैं, यानी कि पहले डायलॉग पार्टनर्स हैं फिर ऑब्जर्वर, उसके बाद फिर जो है फुल मेंबर बन सकते हैं अगर उनका मिजाज बने तो। और जो न्यू डायलॉग पार्टनर हैं जिनको इन्वाइट किया गया वो इजिप्ट है, कतर है और सऊदी अरेबिया है, ये न्यू डायलॉग पार्टनर्स हैं SEO के, ठीक है। अब अगर हम इसके पर्पस की बात करें कि SEO को क्यों बनाया गया था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को या जो शंघाई 5 के नाम से स्टार्ट की गई थी, तो इसका जो एक्चुअल पर्पस था वो डिफेंस कोऑपरेशन था, ठीक है, और बाद में जो है वो इसको डेवलपमेंट कोऑपरेशन भी इसमें साथ में ऐड कर दी गई, तो इस टाइम पे इसका जो बेसिक पर्पस है वो डिफेंस प्लस जो है वो डेवलपमेंट कोऑपरेशन है, ये ऑलरेडी जो है वो SEO के लेक्चर के अंदर डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं कि ऐसा क्यों था। इसका सिंपल रीजन क्या है, सिंपल रीजन ये था कि जब 1991 के अंदर जो सोवियत यूनियन टूटा था तो उस टाइम पे ये खतरा था कि अब रशिया जो है उसको टफ टाइम देने के लिए, और साथ में चाइना है, तो इन दोनों को टफ टाइम देने के लिए जो सेंट्रल एशियन नेशंस हैं इनके साथ अमेरिका अपने ताल्लुकात ना बना ले, ठीक है, इस वजह से अमेरिकन इन्फ्लुएंस से निकालने के लिए जो है वो क्या किया जी चाइना ने, क्योंकि रशिया के हालात तो खराब हो गए थे सोवियत यूनियन से टूट के वो रशिया बना, तो अल्टीमेटली चाइना ने फिर यहां पे जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी डिफेंस की, ताकि भाई अमेरिका यहां से दूर ही रहे, ठीक है, तो ये बेसिक एक पर्पस था। तो ये बेसिक इन्फो है SEO की। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जो 2023 का जो जुलाई समिट है इसकी बात करते हैं, 4 जुलाई का जो समिट है इसके अंदर क्या हुआ। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर जो मेंबर जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो सारे के सारे ऑनलाइन थे, यानी ऑनलाइन समिट था ये अल्टीमेटली, और इसको होस्ट कौन कर रहा था, इसको होस्ट जो है वो इंडिया कर रहा था,
होस्टिंग कंट्री इंडिया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने इसे होस्ट किया और सबसे पहला जो है होस्टिंग जो स्पीच थी वो भी उन्हीं की ही थी और ये ट्यूसडे 4 जुलाई 2023 को इसे होस्ट किया गया इंडिया के अंदर। इंडिया खुद जो है अगर हम एससीओ की बात करें तो इस एससीओ में फुल मेंबर जो है वो बना 2017 के अंदर, तो 2017 के अंदर फुल टाइम मेंबर बना इंडिया और उसके बाद से ये इसका जो है फर्स्ट जो है वो क्या है जी, इसने होस्ट किया एससीओ की मीटिंग को। अगर हम बात करें व्हाट इज द एजेंडा, के एजेंडा क्या था इस एससीओ मीटिंग का, जैसे हर मीटिंग है उसका एजेंडा है, तो इस समिट का क्या एजेंडा था, इसका एजेंडा क्या था जी, ऑनलाइन समिट था, तो लीडर्स ने यहां पर डिस्कस करना था सिक्योरिटी सिचुएशन को अफगानिस्तान के अंदर, कि अफगानिस्तान के अंदर अल्टीमेटली जो हालात बने हुए हैं अफगानिस्तान में तालिबान के टेकओवर के बाद, उसको डिस्कस करना था, क्योंकि एससीओ सेंट्रल एशिया को लिंक करता है, तो यहां पे सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान में पीस होने के बिना पॉसिबल ही नहीं है कि ये अपने गोल्स को अचीव कर सके। यूक्रेन क्राइसिस को डिस्कस करना था कि वहां पे जो वॉर हो रही है उसके जो इफेक्ट्स आ रहे हैं फूड सिक्योरिटी और बाकी चीजों को लेके, और जो कॉपरेशन थी उसको बूस्ट करना, और एससीओ मेंबर स्टेट्स के दरमियान जो रवाबित हैं उनको बहाल करना या मजीद तेज करना, ये इसका एजेंडा था। अगर थीम की बात करें कि थीम क्या थी 2023 समिट की, तो थीम का नाम था सिक्योर, ठीक है, एस ई सी यू आर ई, सिक्योर इसकी थीम था। एस का मतलब था सिक्योरिटी, ई का मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी का मतलब है कनेक्टिविटी, यू का मतलब है यूनिटी, और आर का मतलब है रिस्पेक्ट फॉर सुवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और ई का मतलब है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये सिक्योर जो है एक्चुअली में ये क्या है, एक्रोनिम है, और इससे इसके वर्ड से जो है ये बनता है, तो इसका मतलब जो थीम था जो डिस्कशन होनी थी वो सारी की सारी सिक्योरिटी के गिर्द घूमनी थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के गिर्द घूमनी थी, कनेक्टिविटी के गिर्द घूमनी थी, यूनिटी के गिर्द इन एससीओ मेंबर्स की घूमनी थी, और रिस्पेक्ट म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी थी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन या क्लाइमेट चेंज जो है उसकी बात होनी थी, ठीक है। तो ये इसका थीम था, और ईरान जो है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि फुल टाइम मेंबर बन गया एससीओ 2023 का, यानी कि आप ये कह सकते हैं अगर क्वेश्चन किया जाए कि कौन से जो है वो उस समिट के अंदर जो है मेंबर बना ईरान, तो 23rd समिट के अंदर जो है वो ईरान मेंबर बना फुल टाइम 2023 के अंदर। आगे बढ़ते हैं, और अब इसके अंदर जो लीडर्स के जो स्टैंड्स हैं, जो कंट्रीज के जो स्टैंड्स थे, जो मेजर थे, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से स्टार्ट करते हैं कि जो मोदी साहब हैं उन्होंने जो है वो इसमें क्या कहा और उनका क्या स्टैंड था। अब ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट था नरेंद्र मोदी का स्टैंड, क्योंकि इसमें दो पॉइंट्स हम यहां देखेंगे। एक ये है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस टाइम पे इसको होस्ट कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी रिसेंटली जो है वो इन्होंने विजिट किया यूएस का, यानी अमेरिका विजिट किया, और बहुत ही जबरदस्त किस्म का ये विजिट रहा इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ज्यादा जो है वो कॉपरेशन की बात की गई, डिफेंस की बात की गई, बहुत सी डील्स साइन हुई हैं यहां पे, किसके अगेंस्ट में, दो कंट्रीज के अगेंस्ट में, या खास करके चाइना के अगेंस्ट में, जबकि चाइना यहां पे फाउंडिंग मेंबर है शंघाई कॉपरेशन का। तो इसका मतलब ये है कि अब यहां पे इंडिया का क्या स्टैंड रहना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से रशिया की जो वॉर चल रही है तो उसके साथ भी अब क्या स्टैंड रहेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चाइना को लेकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर रही हैं। तो मोदी साहब का स्टैंड क्या है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो मोदी साहब क्या कहते हैं जी, नो डबल स्टैंडर्ड्स इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म, कि सबसे पहले इन्होंने बात की टेररिज्म की, दहशतगर्दी की, और कहा कि भाई कोई भी डबल स्टैंडर्ड्स जो है वो दहशतगर्दी के नहीं होंगे, एक ही स्टैंडर्ड होगा, और एक स्टैंडर्ड क्या होगा कि दहशतगर्दी दहशतगर्दी है चाहे वो किसी भी फॉर्म के अंदर हो, और उसको कंडेम किया जाएगा। एक्चुअली में ये किसको कहा गया, ये कहा गया चाइना को, ठीक है, और साथ में कहा गया पाकिस्तान को, क्योंकि जाहिर बात है जितने भी एससीओ के मेंबर्स हैं वहां पे एक तो ओवरऑल टेररिज्म के ऊपर बात करनी थी, लेकिन जो पॉइंट आउट किया मोदी साहब ने ज्यादा वो चाइना और इंडिया को किया, जो बॉर्डर टेररिज्म किया जा रहा है इंडिया के बकौल पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में, और चाइना की तरफ से जो उनका बॉर्डर है अक्सम बॉर्डर कश्मीर का, वहां पे जो हो रहा है उसको लेकर उन्होंने ये बात की, पहली बात। दूसरा इन्होंने क्या किया, मोदी साहब ने क्रिटिसाइज किया उन कंट्रीज को जो सपोर्ट करते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, ठीक है, और या फिर स्टेट पॉलिसी के तहत वो टेररिज्म को अडॉप्ट करते हैं। फिर से दोबारा से चाइना और पाकिस्तान को जो है यहां पे फिर से जो है वो हाईलाइट किया गया। कैसे हाईलाइट किया गया, इनडायरेक्टली, कि देखिए अब इसको आपने समझना है कि स्टेट पॉलिसी क्या कहना चाह रहा है इंडिया, और क्यों जो है वो इस बात के ऊपर को लेके क्रिटिसाइज कर रहा है। क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि चाइना का बॉर्डर इशू है इंडिया के साथ और पाकिस्तान का बॉर्डर इशू है, और ये कहा जा रहा है कि चाइना तो चले अपनी आर्मी यूज़ कर रहा है वहां पे, और उसने आपने देखा कि 2021 के अंदर दो साल पहले एक जो है बॉर्डर क्लैश भी इनके बीच में हुआ चाइना और इंडिया के बीच में, और पाकिस्तान का भी वो ये स्टैंड है कि भाई यहां से हम जो है वो मुजाहिदीन भेजते हैं इंडिया के साइड पे जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पे, और वहां पे वो क्या करते हैं जाके दहशतगर्दी करते हैं या
यहाँ से हम लोग जो है वो भेजते हैं और वहाँ पे जाके जैसे होटल ताज जैसे बहुत से मामलात हैं, तो इस तरह के बहुत से इश्यूज जो हैं वो इंडिया ने उठाए हैं। तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि स्टेट पॉलिसी का मतलब ये है कि जैसे पाकिस्तान स्टेट पॉलिसी के तौर पर इंडिया के अंदर जाके उसके हालात ख़राब करे, या पाकिस्तान भी यही क्लेम करता है, और या फिर चाइना के साथ बॉर्डर क्लैश या पाकिस्तान के साथ बॉर्डर क्लैश। तो इसको उसने क्रिटिसाइज़ किया कि क्योंकि बेसिकली दहशतगर्दी जो है एजेंडे के अंदर शामिल थी, तो इसलिए हाईलाइट किया गया। इसके साथ साथ मोदी साहब ने क्या हाईलाइट किया जी, जो थ्रेट ऑफ टेररिज्म है जो कि दहशतगर्दी का एक खतरा पैदा हुआ हुआ है रीजन के लिए और ग्लोबल पीस के लिए, इसको हाईलाइट किया और ये कहा कि भाई आप अपने रोल को भी देखें। और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भाई उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, इन्होंने ये बात कही है। तो इसका मतलब यह है कि फिर ग्लोबली एक ही सिस्टम हो, जैसे अब अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगता है, इसको भी यहां पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि भाई तालिबान की जो है वो हेल्प किसने की, पाकिस्तान ने की, इसी वजह से वहां से अमेरिका को वहां पर निकाल भगाया गया, या ISI के रोल की बात की गई। तो अल्टीमेटली ये सारा यही इसी के गिर्द ही बातें घूम रही हैं। और खास करके जैसे मैंने कहा कि ये इंडिया का विजिट जो करके आए हैं मोदी साहब, तो उसके प्रोस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो ये चाइना को और पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान चाइना का यहां पे सबसे स्ट्रांग पार्टनर है रीजन के अंदर, तो उनको क्रिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है यहां पर, ठीक है। तो क्रिटिकली यहां पर यह बातें की जा रही हैं। साथ में फिर कहा कि नीड है किस चीज की, कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म की, और कोई भी फॉर्म है उसकी, ऑल फॉर्म में, ऑल फॉर्म का मतलब यह है कि चाहे वो स्टेट स्पॉन्सर कर रही है, या चाहे वहां से ग्रुप जो है वो लश्कर तैयबा जैसा वहां पे जाके अटैक कर रहा है, या इस तरह से कोई भी आर्मी की शक्ल में अगर किया जा रहा है बॉर्डर के ऊपर, तो ओवरऑल उन्होंने जो है वो बात की है तालिबान को सपोर्ट करने की हवाले से आप कह सकते हैं। तो कलेक्टिवली जो है वो टेररिज्म के ऊपर बात की गई और कहा गया कि इसके ऊपर हमें काम करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया की कॉन्ट्रीब्यूशन जो SCO की है, उसमें बताया गया और कहा गया कि इंडिया कोशिश कर रहा है कि एलिमिनेशन की जाए टेररिज्म की, दहशतगर्दी जो है उसको निकाला जाए, और हाईलाइट किया पीएम मोदी ने कि भाई इंडिया जो है वो किस तरह से अपना स्टैंड यहां पे पेश कर रहा है, किस तरह से जो है वो रीजनल पीस के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। इसी तरह से इंडिया जो है उसने क्या किया जी, वन बेल्ट वन रोड या BRI जो है, या पाकिस्तान के अंदर जो CPEC हो रहा है ओवरऑल, इसको लेके इसको भी क्रिटिसाइज किया और अपना दोबारा से स्टैंड बताया कि भाई हमें इशू है, क्योंकि CPEC जो है उनका ये मानना है कि वो कश्मीर से गुजर रहा है और कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, या उनके अकॉर्डिंगली उनका है कश्मीर, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जब ये CPEC यहां से गुजर रहा है तो चाइना को यहां से नहीं गुजारना चाहिए था। इसी तरह से साथ में उनका ये मानना है इंडिया का कि जो BRI है ये इंडियन मुखालिफ कंट्रीज को जो है पावरफुल कर रहे हैं, तो इसलिए उसकी भी बात की गई और उनके प्रोजेक्ट्स को भी अपोज किया गया। तो ओवरऑल इंडिया ने यहां पे जो है वो आप ये कह लें क्रिटिसाइज किया है, किसको, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया है, चाइना को क्रिटिसाइज किया है, ये दो कंट्रीज जो हैं जिनकी पार्टनरशिप है। तो SCO के अंदर इन्हीं को ही इंडिया ने सबसे ज्यादा होस्ट भी किया और इन्हीं को क्रिटिसाइज भी किया टेररिज्म के नाम के ऊपर। तो ये इंडिया का ओवरऑल अगर हम कहें तो स्टैंड रहा। साथ में इंडिया ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की कही है। ये एक अच्छी बात है, मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात इसलिए कही है क्योंकि देखिए ईरान ने अब ज्वाइन किया, तो ईरान ने ज्वाइन किया इसका मतलब यही है, ये कहा जा रहा है कि भाई ईरान ब्लॉक ना बनाए रशिया के साथ मिलकर, ठीक है, या चाइना के साथ मिलकर, क्योंकि ईरान की भी हालात जो है या ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं चाइना के साथ, और अब जो सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात बेहतर बनाए हैं चाइना ने चाइना की हेल्प की वजह से, तो इस वजह से अल्टीमेटली ईरान अब सऊदी अरब की तरफ ज्यादा है। तो इंडिया ने यही बताने की कोशिश की कि भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ना आप अमेरिका की तरफ जाएं ना आप चाइना की तरफ जाएं, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि अमेरिका पावर है चाइना पावर है तो इंडिया भी तो अब पावर है, इमर्जिंग पावर है थर्ड, तो इसका मतलब ये है कि अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, आप अपने आप को ओपन रखें, ओपन फॉरेन पॉलिसी बनाएं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जी SCO's एक्सपेंशन एंड कोलेबोरेशन की, इसमें क्या कहा गया, अब जैसे मैंने कहा कि ईरान जो है वो न्यू मेंबर के तौर पे इस समिट के अंदर जो है शामिल हो गया, तो इसका मतलब यह है कि इसको एक्सपेंड किया गया है, 8 मेंबर्स से 9 मेंबर्स बना दिए गए हैं। और ये क्यों एक्सपेंड किया गया है, कोशिश ये की जा रही है कि इसको रीजन को कनेक्ट किया जाए। अब बेलारूस जो है उसका नंबर है और कहा यह जा रहा है कि शायद नेक्स्ट समिट जो है उसमें बेलारूस भी जो है इसका मेंबर बन जाए, तो ये 9 से 10 हो जाएंगे एक्सपेक्टेडली, फिलहाल 9 है। तो SCO के जो एम है वो क्या है जी, एक्सपेंड करना अपने इन्फ्लुएंस को और काउंटर करना स्पेशली वेस्टर्न इंपैक्ट को, ठीक है, यानी वेस्टर्न इंपैक्ट का मतलब ये है कि जो यूरोपियन यूनियन है या जो अमेरिका है उसका जो असर है या उस साइड पे जो एक पूरा ब्लॉक बना हुआ है उसको यहां पे इस साइड पे SCO के थ्रू या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इनको काउंटर करना, ये इसको एक्सपेंड या कोलेबोरेशन की बात की जा रही है।
काजिकिस्तान प्रपोजल फॉर एनर्जी कॉपोरेशन की अगर हम बात करें कि जो काजिकिस्तान है, क्योंकि एससीओ कंट्रीज में जैसे पाकिस्तान है या इंडिया है, तो इनको तो चाहिए, जाहिर बात है एनर्जी की इनकी नीड्स हैं छोटे छोटे कंट्रीज की, तो उनके जो प्रेजिडेंट साहब थे टोकीव साहब, इन्होंने प्रपोज किया कि क्लोज एनर्जी कॉपोरेशन की हमें जरूरत है और उसके लिए क्या कर सकता है, उसके लिए काजिकिस्तान सपोर्ट कर सकता है आपको और ऑफर कर सकता है कि एक जो क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस जो है उसको होस्ट करे एससीओ की काजिकिस्तान अपने तौर पर। और ये कॉन्फ्रेंस किसकी हो, ये एनर्जी की कॉन्फ्रेंस हो जिसमें एनर्जी की स्ट्रेटजी बनाई जाए कि किस तरह से जो है वो एनर्जी को, क्योंकि उनके पास ज्यादा है जाहिर बात है उनके पास सरप्लस है तो उन्होंने वो देनी है, तो किस तरह से वो जो है जिन मुवालिक के पास नहीं है एनर्जी या एनर्जी की कमी है, इंडिया हो गया पाकिस्तान हो गया, तो इनको जो है वो ट्रांसफर की जाए, इसके ऊपर काजिकिस्तान ने बात की। नेक्स्ट बात करते हैं जी रशियन स्टैंड की, और रशिया का स्टैंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एससीओ समिट के अंदर। उसकी वजह यह है कि ये अब जैसे आपने देखा कि वैगनर जो म्यूटनी हुई, ठीक है, एक बगावत हुई रशिया के अंदर या बगावत करने की कोशिश की गई जो नाकाम हो चुकी है फिलहाल, तो उसके बाद ये फर्स्ट जो है इनका समिट की एक मीटिंग थी जिसमें ये यानी पब्लिकली गए, और यूक्रेन वॉर की वजह से भी, क्योंकि ये आइसोलेशन में है रशिया, तन्हाई में है, अमेरिका ने इसके ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं, तो अल्टीमेटली फिर ऐसे में इसका जो है रशियन प्रेसिडेंट का पुतिन साहब का दोबारा से सबके सामने आना या पावरफुल कंट्रीज के साथ स्पीच करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कंसीडर किया जा रहा है। तो जो प्रेसिडेंट पुतिन साहब हैं इन्होंने इश्योर करवाया रशियन स्टेबिलिटी को और उसकी यूनिटी को, और ये बताया कि भाई आप ये खुश इस बात पे ना हो कि भाई म्यूटनी हो गई है और मैं कहीं जा रहा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा, रशिया की स्टेबिलिटी मौजूद है, ना इसे वॉर कुछ कह सकती है ना बगावत कुछ कह सकती है, और हम यूनाइटेड हैं, यानी रशियन फेडरेशन है तो हम यूनाइटेड हैं, ना ही कोई हिस्सा अलग हो रहा है, यानी अपने आप को दोबारा से रीइंफोर्स किया कि भाई कहीं पर भी आपको हमारे दुश्मनों को खुश होने की जरूरत नहीं है, ये मैसेज अमेरिका को दिया गया अल्टीमेटली, अब ये कह सकते हैं ये वेस्टर्न वर्ल्ड को दिया गया। और साथ में एप्रिसिएशन की किसकी, एससीओ की, कि उन्होंने इस मुश्किल हालात में भी या क्राइसिस के अंदर सपोर्ट किया रशिया को, ठीक है, यानी रशिया क्योंकि जाहिर बात है आइसोलेशन का शिकार है, तो ऐसे में इंडिया ने अगर इनवाइट किया रशिया को तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वजह से कि भाई आइसोलेशन में भी उनको दोबारा से इन्वाइट किया जा रहा है, और बावजूद इसके कि इंडिया इस टाइम पे जो है वो बहुत बड़ी बड़ी डील्स करके आया है अमेरिका के साथ, तो फिर भी उसे इन्वाइट कर रहा है, तो ये काफी ज्यादा एप्रिसिएशन की बात बनती है यहाँ पे। इस तरह से पुतिन साहब की अगर बात करें तो पुतिन ने क्या कहा कि जो सैंक्शंस आप लगा रहे हैं, जो पाबंदियां आप लगा रहे हैं या जो लगाई हुई हैं आपने, वो रशिया को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी बल्कि रशिया को मजीद मजबूत करेंगी, ठीक है, यानी ये कहा गया कि हमारे जो इंटरनल रिलायबिलिटी है वो मजीद बढ़ेगी, हमारे जो जेन्युइन पार्टनर्स हैं वो खुल के सामने आएंगे और हमें इन पाबंदियों का फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो ओवरऑल दुनिया को अपनी पावर का बताने की कोशिश की गई रशियन प्रेसिडेंट साहब की तरफ से कि भाई आप जो मर्जी कर लें, मैं पावरफुल हूं, पावरफुल ही रहूंगा और मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, यानी अपने मोरल को जो है यूक्रेन वॉर को लेके यहां पे इन्होंने ये सारे की सारी बातें की हैं कि भाई मोरल हाई है और ये वॉर से मैं पीछे नहीं हटने लगा, आप बेशक पाबंदियां लगाएं। नेक्स्ट बात करते हैं जी की पॉइंट्स ऑफ पाकिस्तान स्टैंड्स इन एससीओ समिट के, पाकिस्तान ने क्या क्या बातें की हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने भी इसको ऑनलाइन समिट को जो है वो ज्वाइन किया है, तो उसमें देखते हैं क्या क्या बातें की गई हैं। जैसे आपने फर्स्ट पिक्चर में देखा था, तो फर्स्ट पिक्चर में शहबाज शरीफ साहब को दिखाया गया कि उन्होंने स्पीच की तो सारे वर्ल्ड लीडर्स ने सुना, जिसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी थी कि भाई ये पुरानी पिक्चर लगाई गई है, शहबाज शरीफ साहब को किसी ने भी नहीं सुना या कम लोगों ने सुना जितने दिखाए जा रहे हैं, तो खैर ये कंट्रोवर्सी आपको होता है हर इशू के ऊपर ही आती है। तो पाकिस्तान ने 5 पॉइंट्स को हाईलाइट किया इस एससीओ समिट के अंदर अगर आप बात करें तो। पहला, पाकिस्तान ने क्या किया जी, प्रायोरिटाइज शेयर्ड वीएन की बात की पाकिस्तान ने, कि पाकिस्तान का इस पूरे रीजन के अंदर जैसे एससीओ का वीएन है डेवलपमेंट का, डिफेंस का, कॉपरेशन का, तो हमारा भी आपके साथ वही वीएन है और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हम चाहते हैं इस एससीओ के फोरम से सबसे पहले, इसका मतलब हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी बात की, ठीक है। सेकंड, शहबाज शरीफ साहब ने बात की जी टेररिज्म को कंडेम करने की, और ये कहा कि भाई आप ये सही कह रहे हैं कि टेररिज्म चाहे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो, ठीक है, यानी अब ये इंडिया की बात की जा रही है, क्योंकि इंडिया ने चाइना और पाकिस्तान की बात की थी, तो वहीं पे पाकिस्तान ने डायरेक्टली इंडिया को कहा कि आप भी तो टेररिज्म करते हैं, चाहे बाहर नहीं करते लेकिन आप अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं, जुल्म सितम ढाया हुआ आपने, तो अल्टीमेटली वहां पर कहा जा रहा है कि भाई टेररिज्म को कंडेम करें चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, ठीक है, एक तो ये कहा टेररिज्म के ऊपर। मजीद टफ टाइम देते हुए ये कहा गया कि जो वायलेंट खास करके एक्स्ट्रा नेशनलिज्म है, जो वायलेंट एक्स्ट्रा नेशनलिज्म है, जैसे कि आपने देखा कि हिंदुत्वता का जो है वो एक पूरे का पूरा एक बात की जाती है इंडिया के अंदर, और मुसलमानों के जो हालात आप हर रोज देखते हैं ट्विटर के ऊपर, उन्हीं के लोग शेयर करते हैं, ठीक है, हमने उन्हीं के लोग शेयर करते हैं, तो उनको लेके भी यहां पर बातचीत की गई कि भाई आप जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, कि मुसलमान रिलीजियस माइनॉरिटीज, यहां पे पहले नंबर पे आप मुसलमानों की बात करें और दूसरे नंबर पे क्रिश्चियंस वगैरह की बात कर सकते हैं, कि उनके लिए इंडिया में मुश्किल है, तो उनकी ओवरऑल शहबाज शरीफ साहब ने बात की कि भाई ये जो अल्ट्रा नेशनलिज्म है आपका हिंदुत्वता का, ये
माइनॉरिटीज को टॉर्चर कर रहा है यह भी दहशतगर्दी है, इसको कंटेन करने की जरूरत है। साथ में उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल एंगेजमेंट अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत है और अफगानिस्तान के अंदर पीस की बात की, क्योंकि अफगानिस्तान का पीस पाकिस्तान का पीस है और एससीओ का पीस है, पूरे रीजन का पीस है। तो अफगानिस्तान को यहां पर हाईलाइट किया और कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे आना पड़ेगा और ग्लोबल कम्युनिकेशन जो है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और पांचवें नंबर पर क्लाइमेट चेंज की जो है इन्होंने बात की। तो ये 5 की टेक अवे जो है शहबाज शरीफ साहब की स्पीच से है जिसपे उन्होंने बात की, यानी क्लाइमेट चेंज की बात की, अच्छा अफगानिस्तान की बात की रीजनल सिक्योरिटी के लिए, माइनॉरिटीज की मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसकी बात की, इंडिया के अंदर टेररिज्म की बात की और शेयर्ड वीजन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की। अब यहां पे अगर ये देखिए आप शहबाज शरीफ साहब का जो ट्विटर अकाउंट है वहां पे उन्होंने पूरा का पूरा बताया हुआ है कि भाई उन्होंने क्या क्या जो है वो बातें की हैं, जिसमें कुछ हाईलाइट किया गया। उन्होंने बताया कि भाई वर्चुअल मीटिंग थी और जिसमें जो है वो कंसर्न रिस्पांस दिया गया, जिसमें ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स का जो इन्फ्लक्स है जो उसकी बात की गई है, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से शेयर्ड वीजन की बात की गई है, पाकिस्तान जो है उसकी बात की गई है, वो कितना ज्यादा अट्रैक्टिव है जियो पॉलिटिक्स के हवाले से और खास करके एससीओ के हवाले से, क्योंकि देखिए एससीओ कंट्रीज मोस्टली जो है वो सेंट्रल एशिया है और इस साइड इंडिया है, तो पाकिस्तान उसके बीच में एक ब्रिज है। तो यही बात यहां पे की जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो ब्रिज है बिटवीन एशिया और यूरोप के बीच में। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर इन्होंने बात की, ठीक है। स्टेट टेररिज्म के ऊपर बात की और अल्ट्रा नेशनलिज्म के ऊपर बात की, रिलीजियस माइनॉरिटीज के हालात जो इंडिया के अंदर हो रहे हैं उसके ऊपर बात की और डोमेस्टिक पॉलिटिकल एजेंडा के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी हिंदुत्व का जो उजागर किया जा रहा है, मुसलमानों को टफ टाइम दिया जा रहा है इंडिया के अंदर, वो किस वजह से, अपने पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से, तो इसको यहां पे इन्होंने हाईलाइट किया अपने ट्विटर हैंडल पे कि भाई ये बातें भी की गई हैं। फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच की शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने बात की है, ये खुद ही बता रहे हैं। फिर ये कहते हैं जी अफगानिस्तान इंटरिम जो गवर्नमेंट है उसकी बात की है कि भाई वहां पे आपको उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, और फिर साथ में जो है फ्लड्स की बात की, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की तो अल्टीमेटली बताया कि भाई लास्ट ईयर पाकिस्तान में फ्लड आया, हालात बहुत बुरे हुए, शायद ये एक थोड़ा सा नेगेटिव स्टैंस था कि फिर यहां से दोबारा से शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान का रोना रोया कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पैसे नहीं दिए, तो फिर यह कहा गया कि हमें सपोर्ट चाहिए, डेवलपमेंट कंट्रीज को सपोर्ट देनी चाहिए दोबारा से, यानी ये जो एक थोड़ा नेगेटिव स्टैंस था कि भाई आप दोबारा से बार बार इंडिया भी मौजूद है तो वहां पे क्लाइमेट चेंज के नाम के ऊपर पैसे मांग रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और इसी तरह से कहा कि भाई पाकिस्तान जो है वो अपना वर्क कंटिन्यू रखेगा रीजनल कनेक्टिविटी के लिए, तो ये उनके ट्विटर हैंडल पर ये बातें की गई हैं। अब बात करते हैं चाइना की, अगर चाइना की बात करें तो चाइना ने यूनिटी की बात की, रेजिस्टेंस की बात की और सैंक्शंस की बात की ओवरऑल। तो चाइना का अगर स्टैंस देखते हैं एससीओ के अंदर, क्योंकि अब देखिए जैसे इंडिया ने बात की है पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट में, तो अल्टीमेटली अब चाइना का भी यहां पर बात करना बनता था। तो जो प्रेसिडेंट जी साहब हैं उन्होंने क्या कहा जी, स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप की बात की और रेजिस्ट सेंक्शंस की बात की कि भाई ये जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं अमेरिका की तरफ से, ये पाबंदियां इनको हमें रेजिस्ट करना चाहिए और पाबंदियों को बड़े जो कंट्रीज हैं खास करके इंडिया जैसे या रशिया जैसे कंट्रीज, इनको रेजिस्ट करना चाहिए, किसी मुल्क के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, एक तो ये बात की इन्होंने। दूसरा इनका स्टैंड क्या था जी, सेफ गार्डिंग रीजनल पीस और कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की गई कि एससीओ का पर्पज ही क्या है, एससीओ क्योंकि जाहिर बात है चाइना ने खुद इसकी बुनियाद रखी थी, तो चाइना को एक जिम्मेदार जो है वो बयान देना था यहां पे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने रीजनल पीस और सिक्योरिटी के लिए बनाई है और कलेक्टिव सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि इंडिया की सिक्योरिटी अलग चाइना की अलग, बल्कि हमें ओवरऑल सिक्योरिटी की बात करनी है। थर्ड, जी जिनपिंग साहब ने क्या कहा जी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज की बहुत जरूरत है और ये कहा कि आप एक और कोल्ड वॉर स्टार्ट न करें, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यहां पे इंडिया को हाईलाइट किया गया और शायद आप कह लें इनडायरेक्टली थोड़ा सा पाकिस्तान को भी हाईलाइट किया गया, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज का मतलब यही है कि इंडिया का यूएस का जो विजिट रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई अब इंडिया ने जितनी भी बातें की हैं एससीओ समिट के अंदर वो सारी की सारी प्रो अमेरिका बातें की हैं और एंटी जो है वो चाइना बातें की हैं। तो इसका मतलब जब चाइना के अगेंस्ट बातें की हैं, तो चाइना ने ये कहा कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के अकॉर्डिंगली डिफाइन ना करें, कि अगर आपको उसने कह दिया कि आप चाइना के अगेंस्ट में जाएं, हम आपको पावर देंगे, चिप की टेक्नोलॉजी देंगे, आपको हथियार देंगे, आपको जो है वो एयर टेक्नोलॉजी देंगे, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप हमारे खिलाफ आएं, ये कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जंग तो आप लड़ नहीं सकते, जाहिर बात है अगर चाइना पावरफुल है तो इंडिया भी पावरफुल है, दोनों ही पावरफुल है, न्यूक्लियर डिटरेंस है, तो इसका मतलब वॉर नहीं होगी तो फिर क्या होगा, फिर कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगी और वहीं पर ब्लॉक पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए आप अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखें, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बनाएं कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे साथ भी क्योंकि हम रीजन में हैं ताल्लुकात अच्छे करें।
फिर साथ में इन्होंने एक और बात कही है जो चाइनीज प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने कहा कि जो प्रैग्मेटिक जो आपके जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर तवज्जो दें। प्रैग्मेटिक रिलेशंस का मतलब क्या है? प्रैक्टिकली जो हो सकते हैं, यानी अब चाइना और इंडिया बॉर्डर शेयर कर रहे हैं तो अल्टीमेटली ये इनके प्रैक्टिकल रिलेशनशिप हो सकते हैं, ना कि अमेरिका जो है वो मीलों दूर बैठा हुआ है और वहां पर आप उसके साथ रिलेशन बनाएं। तो इसलिए प्रैक्टिकल रिलेशनशिप को, प्रैग्मेटिक कोऑपरेशन की बात की जा रही है यहां पर, ठीक है, और रीजनल पीस के लिए प्रैग्मेटिक कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अल्टीमेटली इन्होंने भी जो है, जैसे इंडिया ने कुछ बातें की तो इन्होंने भी उन्हें बताया कि भाई आप अमेरिका के चक्कर में आके अपनी रीजनल पीस और सिक्योरिटी खराब ना करें और कोल्ड वॉर की तरफ ना जाएं और बीआरआई के खिलाफ बातें ना करें बल्कि इसके पार्टनर बने। तो खैर चाइना और इंडिया की आपको पता है फिलहाल तो चलती रहेगी। तो एट द एंड इसको कंक्लूड करते हैं जी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एससीओ का समिट था अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नॉर्म्स के ऊपर ही खत्म हुआ है। यहाँ पे यूनिटी की बात की गई है स्टेट्स के बीच में कि भाई जितने भी अब 9 मेंबर्स हो चुके हैं तो इन 9 मेंबर्स के बीच में यूनिटी होनी चाहिए और इंटीग्रिटी होनी चाहिए, और एससीओ का पर्पस यही होना चाहिए कि पीस को प्रमोट करे, स्टेबिलिटी को प्रमोट करे, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करे इस रीजन के अंदर, ठीक है, यानी जो इसके मेन पर्पसेस हैं जिन मकासद के लिए बनाया गया था उन मकासद को हासिल किया जाए एससीओ के तहत। और एससीओ में साथ में जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, जैसे मैंने कहा कि इंडिया ने इसके ऊपर जोर देने की कोशिश की है कि भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड है तो आप इसके ऊपर फोकस करें बजाय इसके कि आप ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा बने। और एससीओ ने साथ में एम्फेसिस किया है कि इसके ऊपर नॉन एडवर्सरियल जो है अप्रोच के ऊपर और दूसरी नेशंस को लेके, यानी कि इंडिया को अलग से फिर दोबारा से यहां पे हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही। तो ओवरऑल अगर आप कहें तो यहां पे हम देखते हैं कि एससीओ जो है उसमें फिलहाल हमें यहां पे खींचातानी ही नजर आई है। किसकी खींचातानी? एक साइड पे इंडिया है और दूसरी साइड पे हमें चाइना नजर आ रहा है, उनकी खींचातानी हमें यहां पे फिलहाल दिखाई दे रही है। और रशिया फिलहाल जो है वो कोशिश कर रहा है कि दोनों के साथ बैलेंस ही हो, क्योंकि रशिया के जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो इंडिया भी है और चाइना भी है। तो रशिया फिलहाल यहां पर हमें थोड़ा न्यूट्रल दिखाई दिया, लेकिन चाइना और इंडिया ने दोबारा से यहां पर जो है वो एक दूसरे की इनडायरेक्टली क्लास ली है। और पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि फिलहाल ना 9 में ना 11 में फिलहाल जो है उसको इतना कुछ भी खास उस तरह से नहीं हुआ। तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और फीडबैक के लिए जो है कमेंट सेक्शन मौजूद है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।